रहमती बस हुक्म देता था, वक्त बताकर कहता था कि काम इतनी देर में हो जाए, और वो हो जाता था वकार साहब। कानून और उसकी सेक्शंस की ऐसी की तैसी। बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंतहाई रहमदिल आदमी हूं मैं। किस चीज़ की कमी है आपके पास? इज्जत, दौलत, शोहरत, मिनिस्टर लेवल का स्टेटस है आपके पास, इतने में भी फुल शपोका हीरो हीरो लगते हो आप। अबे माथा ला यार। जब तक मार जब तक मर नहीं जाता। आई वॉन्ट हिज डेड बॉडी। ठीक बोलिए ना अंग्रेजी। रिमोट थे ना, मरा नहीं अभी तक, जिंदा है वो। पागल हो गया तुम? तुम्हारा ख्याल है ये कोई ड्रामा है, ये कोई खेल है? दिस कैन नॉट हैपन जोहान, दैट्स इट। तो ठीक है फिर, घर पे एक बेटा तो मजनू है, अब दूसरा भी एप्पल जूस पीकर टोन हो जाएगा। देखिए आप, अच्छा खासा एक हंसता खेलता खलंडरा एक नौजवान था, हर महफिल की रौनक शान, जहां जाता था लोग बस हंसके देखते थे। रब जो मैं आज हूं वो भाई एक जमाने में थे, और जो वो आज है वो मैं हो सकता हूं, वो हो सकता हूं, वो मैं हो सकता हूं। प्लीज ना, जस्ट ऐसा एक अच्छी लड़की है, मतलब Everything is perfectly in sync. आप टेंशन क्यों ले रही हैं? All you have to do is कि आपने सिर्फ जाके बस बात करनी है, उनको बस बताना है कि ये हुआ है, रिश्ता है, आप ऑलरेडी अपने अम्मी से बात कर चुकी है, इससे ज़्यादा परफेक्ट सिक में कोई प्लान आ भी नहीं सकता था इन द फर्स्ट। तुम 5 मिनट के लिए चुप हो सकते हो? Okay, I understand कि जब एक इंसान को नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है डाइजेस्ट करना, और फिर obviously you know you just start thinking so much and you need silence, pin drop silence to just make sure कि आप जो सोच रहे हो वैसे, और अगला बंदा बस बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। सपोर्ट दे रहे हैं, राइट लेफ्ट पे चुप करके बैठे हुए, कोई सपोर्ट नहीं फील हो रहा। यार जी, बेटी है तुम्हारी, तुमने कहा गेम बंद कर तो गेम बंद कर दिया, अब और क्या करें? हाँ, तुम्हारे कहने पे तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हम। आई डोंट नो। जोहान उठा उठा। हाँ जोहान। फिजा फिजा, मम्मा मान गई है। I told you, थोड़ी सी हिम्मत करनी है, सब ठीक हो जाएगा। हमारा साथ देंगे। क्या हुआ? बाबर आजम, कफर ड्राइव मारी है उसने, खुदा ला।
मैच तो कल था। हाइलाइट्स भी कोई चीज होती है। कल काम पे था, नहीं देख सका मैच, जॉब थी ना। असल में कुछ लोग होते हैं जिनके काम होते हैं, लाइव नहीं देख सकते मैच, तो अगले दिन वो फिर हाइलाइट्स देखते हैं, इसलिए हाइलाइट्स होती है। हम सब ठीक कर रहे हैं। सुने, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं यार। खुद सोचो, हमारी नीयत तो साफ है ना। लड़का माशाल्लाह अच्छा है, लड़की बिल्कुल पाप पर गई है ना, तो फिर इसमें मसला क्या हो? सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं यार। हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। ये नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा, अखबार बाद में पढ़ लीजिएगा। मेरी ऐनक साफ कर दीजिए। अरे कहीं गए हुए थे बेटा? मैंने कहा जाना है अम्मा, जहां भी जाऊंगा वापस वहीं भी पहुंच जाऊंगा। इससे कह दीजिए कि मेरे सामने फजूल बातों से गुरेज करें। अच्छा आप अपना जरा मूड तो ठीक कर लें, मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो कल रात को भी करनी थी लेकिन आप किताब पढ़ रहे थे। भला मिजाज कैसे सही रह सकता है जब मुझ पर पे दर पे जुमले उछाले जाए। आप अभी अजान को छोड़े ना, आप जुहान पे तवज्जो दें। क्या हुआ? वो आपने मुझे कहा था ना कि मैं उसके लिए कोई रिश्ता देखूं, तो एक फैमिली फ्रेंड्स ने रिश्ता देखा है, अच्छे लोग हैं, लेकिन मैंने जब जुहान से बात की तो उसने मना कर दिया। स्टडीज खत्म हो चुकी हैं, अच्छी जॉब पे भी है, कोई जवाब नहीं बनता। अगर रिश्ता अच्छा है तो उसने मना क्यों किया? कहीं अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर तो नहीं चल पड़ा? किसी लड़की की वजह से तो मना नहीं कर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं तो चाह रही थी कि आप उससे खुद बात करें। देखिए ना, आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, ना लड़कों के ना लड़कियों के, आप जानते तो हैं। कहाँ हैं आपके साहबजादे? अभी तक सो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उसको चाय दे के आई थी कमरे में, जागा हुआ है। कितनी बार कहा है कि कम से कम इतवार के दिन तो बैठकर इकट्ठे नाश्ता कर ले। सलाम पापा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मियाँ, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या? आपकी वालदा ने कल आपसे कुछ बात की थी। वो अच्छा, वो वाली बात। बाप, शादी तो एक मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन,
यू नो मेड बाय द ह्यूमंस. मतलब क्या है इसमें? इट्स जस्ट अ नप्चुअल नॉट यू नो व्हिच हैज बिकम पार्ट ऑफ लाइक अ सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट. इंसान की इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट की एक चीज बस बना दी गई, यू नो, कि सोसाइटी बस उस चीज पे कंफर्म करे कि शादी ही करनी होती है. मैं आप सलमान खान को जानते हैं ना? मैं एम कर रहा हूं कि मैं यू नो हायर अल्फा पीक एक अचीव करूं. मुख्तसर बात यह कि मैं रेडी नहीं हूं. तो लॉर्ड साहब अभी तैयार नहीं है और यहां हम इंतजार कर रहे हैं कि घर में बहू आए, पोते पोतियां हैं. एक हार्ट अटैक आ चुका है मुझे, क्या पता कितनी जिंदगी बाकी है. ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अब्बा? क्योंकि उसने तो शादी करनी नहीं है. कम अज कम तुम ही शादी कर लो, घर में कुछ खुशियां तो देखने को मिले. शादी कर ले भाई. हाँ बस यही देख लेंगे मोहब्बत मोहब्बत ना कर बैठना वरना जिंदगी अजाब हो जाए. इससे कह दीजिए कि बात पे बात मोहब्बत कर रोना रोना छोड़ दे. मैं सुहान से बात कर रहा हूँ. मामा इनको कह दें कि मोहब्बत का रोना तो मैं सारी जिंदगी रोऊंगा और मैं भी सुहान से ही बात करूं. मिस्टर अमिताभ बच्चन प्लीज. हाँ उन्हें नहीं, यू कैरी ऑन. मैं बस इनको मशवरा दे रहा था. असान नाश्ता तो करके जाओ बेटा. अम्मा चाय ऊपर भिजवा दें. मैं सिर्फ चाय पीऊंगा. मशवरा देंगे, पहले मशवरा देने के काबिल तो हो जाए. आप ये जो बात हो रही होती है उसी पर रहा करें ना. क्या बात करूं, बात बात के बीच में लुकमा दे देता है. यही हाल रहा तो मरते दम तक मोहब्बत का रोना रोता रहेगा. ना मुराद. आप छोड़े ना भाई को, आप पता तो है भाई का. जहां तुम्हारी माँ कह रही है ना, हमें उन लोगों से मिलना चाहिए. आप ऐसा करें कि उन लोगों से बात करें, कोई मुनासिब वक्त मांगे और जाके उनसे मिल लेंगे. मामा मैं आज फ्री नहीं हूँ, बाकी 15 दिन फ्री हूँ. मेरा मतलब मैं आज फ्री हूँ, बाकी 15 दिन फ्री नहीं हूँ. ये क्या बात हुई कि मैं आज फ्री हूँ और 15 दिन फ्री नहीं होगा? आज इतवार है, हो सकता है कि उन लोगों को भी फरागत हो. आप उनसे बात कर तो देखिए, बात करने में क्या हर्ज है. और फिर जो वक्त देंगे हम चले जाएंगे, या फिर जब सुहान के पास वक्त हो तब चले जाएंगे. जी ठीक है, मैं कॉल करता हूँ. आ गया. हेलो. जी जी. अरे हाँ, मैं अभी आपको अभी देता हूं. आप जी एक्टिंग कर दी है सारे जहान की जिंदगी की एक्टिंग का ऑस्कर. ये अच्छा खुदा के वास्ते मेरी इलाज रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. आप बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दे क्योंकि फिजा ने वो सारी साइड मैनेज कर ली है. अभी आप सिर्फ लड़का तेरा हो गया है दीवाना, क्या तू भी होगी उसकी दीवानी या ना, क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार प्यार. माशाल्लाह बहुत प्यारी आपकी बेटी है ना. बेटा क्या कर रही हो तुम? जी मैं बस यूनिवर्सिटी के बाद सोचा था कि इंटर्नशिप कर लूं और फिर सोचा रहने दे. सुन लिया जी, इतने पैसे खर्चे किए, यूनिवर्सिटी भेजा, मजाल है कुछ करे.
इतना कहा है मैंने यार कि आ जाओ दफ्तर आ जाओ कुछ काम ही कर लो, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरी बेटी जिद्दी है टाइम पर। नहीं बस सारे वक्त यूट्यूब पे कुकिंग शोज देखती रहती है, शी इज अ वेरी गुड कुक। लेकिन अगर दिल करे तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, मैं मतलब है काम करने में कैसी कबाह। लेकिन मेरे ख्याल में क्या फायदा बिला वजह अपने इस तरह थकने का, मेहनत जाया हो जाती है वक्त से पहले, क्यों बेटा? जी मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो तुम सुनाओ बेटा क्या करते हो? मैं बस सर इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी में एक इवेंट मैनेजर हूँ जो बस इवेंट्स को मैनेज करता है। नाइस, गुड गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह। वैसे आप लोगों से मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया। यकीन जानिए कि आपको मिलकर, आपकी बेटी को मिलकर हमें भी बहुत इत्मीनान हुआ है। बड़ी नवाजिश। थैंक यू सर। वैसे यार तुम यहाँ मतलब बड़े लोगों में क्यों बैठे हो, जाओ फिजा से गपशप लगा। नहीं मेरा मतलब है हमें कोई एतराज नहीं, जाहिर सी बात है अपने वालदैन से इजाजत लेकर ही जाओ। जी वो एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स फिजा के लिए और जो आप मेरे लिए फैसला करेंगे मुझे वही मंजूर है। I'm okay with that. दरअसल हमारे घराने में अब भी रिवायात का पास रखा जाता है। मेरा मानना है कि वो रिवायात ही क्या जिनको बदल दिया जा सके। बेशक। कमल भाई, अब मैं आपको कमल भाई कह के मुखातिब कर सकता हूँ? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सिकंदर भाई? शुक्रिया। दरअसल सकून कल्ब जो है वो गवाही देती है कि जो काम हम करने जा रहे हैं आया वो दुरुस्त है या गलत, मानना पड़ेगा। यहां आकर हमें सकून कल्ब महसूस हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं जरा फिजा को मिल लूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए जी, आइए जी। ये थैंक यू। ये खावतीन तो आपको पता है बस आपस में जो गई हैं तो अभी टिप टिप शुरू हो जाएंगी। कमल भाई ये साहबजादा आपके सामने हाजिर है, अगर आप इससे कोई सवाल पूछना चाहें तो बिना झिझक पूछ सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। जी तो बेटा ये बताओ कि जिस इवेंट कंपनी में काम करते हो तो मेरा मतलब है किस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो? बताओ बेटा। इवेंट्स? जी जी मतलब शादियां। शादियां और कवाली नाइट्स। कवाली नाइट्स। जी जी चलिए बहुत अच्छा। और ये पूरे पाकिस्तान में होती हैं? हाँ जी। मामा ये तुमसे कुछ बातें करना चाहेंगे। ऑफ मिसेस कमर ये बच्चे कितने होशियार हैं, मैं तो बहुत नर्वस हो जाती हूँ ऐसी सिचुएशंस में। अच्छा मैं चलती हूँ, कमर तो बहुत बुरा एक्टर है, मुंह से कुछ भी बोल देता है। आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ। आंटी थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना साथ दिया। अगर मैं तुम्हारा साथ ना देती तो फिर तो कुछ भी नहीं होता। ट्रू। अब आगे सब कुछ खुद संभाल लेना तुम दोनों। आप टेंशन ना लें, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। आई एम श्योर। यू आर श्योर बिकॉज यू थिंक कि मैं बहुत तेज हूँ, है ना? तुम बहुत प्यारी हो। अच्छा मैं आपसे एक बात कहूँ फ्रेंकली, सुहान ने ना ऑलरेडी मेरी लाइफ के 5 साल वेट करवा करवा के जाया कर दिए।
अब मैं चाहती हूँ कि फौरन से मेरी शादी हो जाए। मुझे लगता है माँ पापा को जुहान बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी स्माइल से लग रहा है कि मैं भी आपको ठीक ठाक ही लग रही हूँ, इसलिए जल्दी से क्यूट समायों का फंक्शन रखेंगे और बस निकाह रुक सदी। 5 साल आंटी को थोड़ा टाइम होता है, फेड अप हो गई हूं मैं वेट कर करके, समझ सकती है ना। अल्लाह करे तुम हमेशा ऐसी ही रहो। थैंक यू। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। फिजा भी बहुत प्यारी बच्ची है। वो जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बहुत तारीफ की थी इस फैमिली की। आपको कैसा लग रहा है? मेरे दिल को तो बहुत सुकून है। उनके घर जाकर मुझे बहुत अपनायत महसूस हुई। लेकिन एक मसला है सिकंदर। वो क्या? वो 3 महीने का कह रहे हैं ना, तो ये तो बहुत कम टाइम है, हमें तैयारी भी तो करनी होगी। 3 महीने बहुत होते हैं और हम दूल्हा वाले हैं, हम कौन से लड़की वाले हैं। हमने उनसे कुछ लेना भी नहीं है, हमारे घर अल्लाह का दिया सब कुछ है। बस एक कमी है तो बहू की, और वो फिजा के आने से पूरी हो जाएगी, है ना? सिकंदर बहुत जल्दी कर रहे हैं आप, अभी तो मिले हैं हम उन लोगों को। समिया, मैं एक जहां दीदा इंसान हूं, मुझे तो उस खानदान में कोई कमी नजर नहीं आई। अलबत्ता अगर आपको उस लड़के में कोई ऐप नजर आया है तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखो समिया, जिंदगी का क्या भरोसा। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में मैं ये खुशी देख लूं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं भी चाहता हूं इस घर में खुशियां आए, शहनाइयां बजे, गीत हो, पोता पोती हो। तुम नहीं चाहती क्या? तो बस फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो। और हां, अजलान को भी आप ही बता दीजिए तो बेहतर रहेगा, आपके मुंह से सुनकर शायद उसे ज्यादा खुशी हो। ठीक है। चलो अब रस्म का टाइम हो गया। क्यों भाई? इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज तो छोड़ देते तुम। वैसे समिया, झट मंगनी पट ब्याह की रस्म तो मैंने सुनी थी, लेकिन तुम तो 2 कदम आगे ही निकल गई। तुमने झट माइयों और पट ब्याह की रस्म भी रख डाली। खुशी दापा, सब कुछ तय होता है ना तकदीर में, जिस चीज का जो वक्त होता है वो उस टाइम पर हो जाती है। हाँ, मगर अगर बड़े की शादी भी हो गई होती तो क्या हर्ज था? अब बड़े के होते हुए छोटे की शादी पहले हो रही। अरे फूफो, आप बस टेंशन ना लें, आप प्लीज रस्म पूरी करें, मुझे निकलना भी। मैंने आपको बताया भी है, अजलान पे कभी ब्याह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप बस दुआओं में याद रखें और रस्म जल्दी से प्लीज पूरी करें। रिलैक्स बेटा, मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हें कितनी जल्दी पड़ी हुई अपनी रस्म करवाना। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारा बस नहीं चल रहा, वरना तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी दुल्हन झट से उड़कर तुम्हारे पास आके बैठ जाए, है ना? चलो। देखा ना, आ गई है मुझे कॉल, मुझे निकलना है। आपको बोला भी था जल्दी से कर लें, मैं कॉल ले लूँ जरूरी। ठीक है जाओ, मैं आपको कॉल करूँगा। सही
सही से लाइटें लगा भाई, सही से। बेफिक्र हो जाए भाई। अरे बेफिक्र होए हुए तो जमाना हो गया। आज ये पूरा घर फुल जगमगाना चाहिए। किसी की बहुत बड़ी खुशी है, लोगों को ये ना लगे कि अजलान अली जल गया। जल्दी करो, इत्मीनान कीजिए, खुशियां मनाइए। आज आपके छोटे बेटे की शादी है। जल्दी करो भाई, आज सिकंदर साहब के घर में ये सूरज गुरूब नहीं होना चाहिए। चलो। वैसे आपस की बात है समिया, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा ना कि तुम अब अपने बेटे को किसी भी वक्त रोक पाओगी किसी भी चीज से, तो ये तुम्हारी भूल हो, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। और वैसे भी मुझे तो यही लगा है कि उसकी होने वाली दुल्हन की कॉल है। मुझे क्या जरूरत है खुशी दापा उसको रोकने की या कंट्रोल करने की, बच्चों की जिंदगी है, उन्हें जीने दें। हाँ मगर फिर भी बड़ों के सामने, खैर चलो नेवर माइंड। अरे आप छोड़े, मुंह मीठा करें। नहीं थैंक यू, आई एम ऑन अ डाइट। साहब तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने कह दिया है ना मुझे अपने लिए सजा हुआ घर देखना है तो देखना है, बस मुझे आके पिक करो। मेरे मुंह पे और हाथों पे उट्टी लगी हुई है, मुझे क्या देखना है तुमने? इस हुलिया में देखूंगी। वी तुमने ये हुलिया किसके लिए बनाया है? आंटियों के लिए? मेरे लिए बनाया है ना, तो मुझे आकर दिखाओ तो सही। और मुझे नहीं पता, मुझे घर देखना है तो देखना है, बस मुझे आकर पिक करो। फिजा तुम क्या बच्चों वाली बातें करना शुरू हो जाती हो कई दफा, क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा है ये शादी कैसे हो रही है और शादी कैसे कर रहे हैं? मतलब एक लड़का जाके अरेंज मैरिज के अंदर एक लड़की को मायूं वाले दिन अपने घर लेके आके बस बैठ के कोई पूछेगा तो क्या कहेगा आगे से? जी वो मैं बस दुल्हन को घर दिखाने आया था। इट्स ऑकवर्ड, इट्स नॉट राइट, क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं होगा जी, तुम ज्यादा सोच रहे हो। बस जल्दी से आकर मुझे पिक करो, मैं घर को दूर से देखूंगी और तुम्हें करीब से, और बस तुम मुझे वापस ड्रॉप कर देना। 5 साल में मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया कि मेरा बहुत बड़ा अरमान है अपने लिए लाइट से सजे हुए घर को देखना। अगर तुम मुझे लेने नहीं आओगे तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। किसी ने हमें देखे ना तो पानी नहीं झाड़ू फिर जाएगा पूरे फंक्शन के ऊपर। यार जी मेरा पिछला आइडिया वर्क किया ना, तुम बिलावजह डर रहे हो, कोई नहीं देखेगा कोई नहीं सोचेगा। अब तुम जल्दी से आ जाओ वरना मैं आ जाती हूँ वहाँ, और तुम्हें पता है ना मैं ये कर सकती हूँ। साहब क्या फिजा, नहीं बस जल्दी से आओ। बाय द वे मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, तुम डिजर्व करते हो मुझे ऐसे देखना, बस आ जाओ ना जी प्लीज जी। ओके डन, आई एम कमिंग, सी यू। लाइटें सही से लगाओ, तू फिक्र ना कर छोटे, अंधेरा होने से पहले यहां उजाला हो जाएगा। थैंक यू भाई, आप हैं तो मुझे किस चीज से पकड़े। काश हम भी ये कह सकते होते कि आप हैं तो हमें किस बात की फिक्र, लेकिन हमारे पीछे कौन खड़ा है? आज भी दिल छोटा रखोगे? दिल वो कहाँ है? अरे वो तो सिकंदर साहब ने अपनी जूती के नीचे मसल के फेंक। यार भाई छोटे तू फिक्र ना कर, आज मेरा गम तेरी खुशी के आड़े नहीं आएगा। लग गया थोड़ा सा।
जा रहा था ना कहीं, जा तो। चल मैं निकलता हूँ। सारे खो चुके हैं ये नजारे, कोई भी ना जाने क्या हुआ है, बस ये हम ही जाने। दिल ऐसे किसी से जो मिलता है, जिंदगी भी कैसे बदल जाती है कि जैसे खिलता हो कोई गुलाब। अगर मैं बोलूं मुझको तुमसे प्यार हुआ, क्या सुनते ही तुम मुस्कुराओगी या ना, या शर्मा के भाग जाओगी, क्या चाहोगी। सुन सुना कि लड़का तेरा हो गया है दीवाना, क्या तू भी होगी उसकी दीवानी या ना, क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार प्यार है हुआ। सोचा था जब तुम्हें देखूंगा तो ऐसे डांटूंगा, बातें सुनाऊंगा, क्या तुम ये बचपना लगा के रखती हो। लेकिन अब आपको ऐसे सच धज के कौन क्या ही कह सकता है। क्यों सारी दुनिया का हुस्न लूट के आप हमारे सामने आ गए और फिर पूछ रहे हैं क्यों? और आप पे पीला रंग बहुत सूट करता है। और फूलों में भी सच के आप फूलों से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और चिरागों की क्या जरूरत, उनसे ज्यादा तो रोशन आप। और मुझे तुमसे प्यार, मुझे पहले जाना पड़ेगा, लेकिन कहते तो हैं कि लेडीज फर्स्ट। Thank you.
घर कितना प्यारा लग रहा है। Love it. Hi. कैसा लग रहा हूँ? कोई कमी तो नहीं रहेगी? नहीं, सब बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बस एक कमी रहेगी। क्या बताएं, अभी पूरी कर देता हूँ। वापस आ जाओ अजलान, मेरे पुराने वाले अजलान की तरह खुश रहो, हंसो। वो कमी नहीं है, खला है। पिक्चर मत लो, हर चीज की पिक्चर नहीं लेनी होती। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि उन्हें आंखों में कैप्चर करना होता है, वरना वो अपनी अहमियत खो देते हैं। ये बहुत स्पेशल लम्हा है। देखो ना, देखो मेरे साथ। सबसे ड्रीम कर रही थी मैं फिल्म के लिए, वो भी बहुत अच्छा। पुराने वाला असलान तो मुझे भी नहीं मिलता। हाय असलान भाई, असलान भाई, इन्हें क्या हुआ? कोई मौका नहीं चाहिए होता ऐसे मजनू को। क्या क्या पकड़े जाएंगे, थोड़ा पीछे हो, चुपो। कुछ नहीं होगा। एक तो तुम हर बात पे पीले पड़ जाते हो, लेकिन खैर आज तो बनता है तुम्हारा पीला पड़ना। हम ना पीले पीले करते रह जाएंगे। वो आसमान अली जैसी बुलाज है ना, कैसे बुला है, जो खुद ही बेचारी इतनी परेशान है। आई मीन बेचारे हेलो भाई, कहाँ हो तुम जुहान? सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मैं रास्ते में हूँ, वापस आ रहा हूँ घर। सब ठीक तो है? हाँ सब सही है, बस अजलान की वजह से थोड़ी परेशानी थी। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ घर। मेरी बात कराओ आंटी से। आंटी, ये तुम्हारे साथ कौन है, किसकी आवाज आई मुझे? अस्सलाम वालेकुम आंटी। फिजा, कैसी आप? तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी अजलान वहां से गुजरा है, अगर उसने देख लिया होता तो फिर। आंटी घर कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। किसी ने भी देख लिया तो कयामत आ जाएगी। ओहो आंटी आप टेंशन ना ले, आप कितनी प्यारी लग रही हैं, जबरदस्त। ओ आंटी इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो मना कर रहा था, मैं इंसिस्ट करके लाई हूँ। पता है मुझे बहुत दिल चाह रहा था घर को सजा हुआ देखने का। करता सब कुछ वही है तुम्हारे साथ मिलके, और फिर तुम कह देती हो कि तुमने किया है। बुद्धू समझते मुझे तुम दोनों? नहीं यार। अच्छा चलो जल्दी घर जाओ, किसी ने देख लिया तो यहाँ तमाशा हो जाएगा इस वक्त। अच्छा ठीक है जा रहे हैं, आप अंदर जाएं। चले? नहीं नहीं, अभी तो आपको मैं अपने अब्बा जी से मिलवाने जा रहा था। आ जाए, ये हर बात पे सड़ू बनना जरूरी है? मैं समझती हूँ अपनी चीजों की। क्या हुआ है? हाथ हो गई है वैसे? नहीं होती। क्या नहीं होती? हाथ। खुश खुश रात रो यार। तेरा हो गया है दीवाना, क्या तू भी होगी उसकी दीवानी या ना, क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार प्यार है हुआ। पीछे सारे खो चुके हैं ये नजारे। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।